होगा कि हम लोग अभी ऑन बोर्ड हो चुके हैं न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर 20504 है। और मैं आपको बता दूं कि आज की जर्नी हमारी होने वाली छपरा जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन के बीच में, जिसकी दूरी है 78 किलोमीटर। इस ट्रेन को छपरा जंक्शन से ऑन बोर्ड किए हैं। हमारी ट्रेन अभी पहुँचने वाली है सोनपुर क्रॉस करते हुए, सोनपुर हाजीपुर रेलवे ब्रिज, जो कि हमारी गंडक नदी पर रेलवे ब्रिज बनी हुई है। एंड हमें सामने से ट्रेन स्पॉट हो रही है, जो कि 15202 पाटलिपुत्रा एमयू इंटरसिटी एक्सप्रेस, और काफ़ी तेजी में हमारी एमयू इंटरसिटी एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है डिब्रूगढ़ राजधानी को। एंड हमारी ट्रेन को यहाँ पे येलो सिग्नल दे के थोड़ी सी स्लो डाउन करने की स्पीड दी गई है। एंड यहाँ पर हमारी स्पीड लिमिट आ चुकी है 40 किलोमीटर की। तो यहाँ पर हम लोग अपने थ्रॉटल को थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर ब्रेक लगाने में असुविधा ना हो। और हमारी ट्रेन सोनपुर हाजीपुर रेलवे लाइन पर पहुँच चुकी है, जो कि गंडक नदी भी बनी हुई है, जिसके कारण हम लोग का स्पीड 40 किलोमीटर की दी गई है। फाइनली हम लोग ब्रिज क्रॉस करवा चुके हैं हाजीपुर वाले सेक्शन में, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको बनाना ट्री देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बनाना ट्री हैं। एंड यहाँ से हम लोग को 105 किलोमीटर की स्पीड लिमिट दी गई है ग्रीन सिग्नल के साथ, और हमारी ट्रेन की स्पीड लिमिट आ चुकी है 40 किलोमीटर पर। एंड हम लोग को यहाँ से ये 2 किलो भी मिल चुका है हाजीपुर स्टेशन से इन करने से पहले। एंड मैं आपको पूरी सेक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी सेक्शन आपको बनाना ट्री है। एंड हाजीपुर का फेमस है बनाना, इसलिए आपको इस रूट पे हर जगह आपको बनाना ट्रेन देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन में इन करने वाली है। एंड हमारी ट्रेन का स्पीड लिमिट हो चुका है 40 किलोमीटर की। तो हम लोग स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं, थ्रॉटल को थोड़ी सी कम कर लेते हैं। एंड यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन चेंज होने वाली है अभी। एंड हमारी ट्रेन को यहाँ रेड सिग्नल मिल जाता है। एंड हमारी ट्रेन को यहाँ पे 2 सिग्नल लुक लाइन फिर मिलते हैं। सेकंड लुक लाइन क्रॉस करके हमारी ट्रेन फाइनली हाजीपुर जंक्शन में एंट्री ले चुकी है। एंड हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस ट्रेन को एंट्री दिया जा रहा है। आप बोर्ड भी देख सकते हैं हाजीपुर जंक्शन में। एंड हमारे बगल वाले ट्रैक पर भी कोई ट्रेन लगी हुई है, जो कि मुझे लग रही है 42 और फास्ट एक्सप्रेस है, जिसको हमारी राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है। यहाँ पे कुछ पेंट्री कार के लिए सामान आए हैं, जो कि हाजीपुर जंक्शन में डिब्रूगढ़ राजधानी में ऑन बोर्ड होने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन हाजीपुर जंक्शन में इन हो चुकी है। तो हम सबसे पहले अपनी ट्रेन को ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं। एंड यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है। और हमारी WP5 लोकोमोटिव, जो गाजियाबाद सेट की है, वो पुल कर रही है डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को। हमारी फाइनली हाजीपुर जंक्शन में थोड़ी देर के लिए स्टॉप होने के बाद हमारी ट्रेन को यहाँ ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। हम अपनी ट्रेन में एक बार हॉर्न बजा के यहाँ से डिपार्ट कर लेंगे।
एंड हमारी राजधानी एक्सप्रेस पर डिपार्ट करते हैं 65 किलोमीटर की स्पीड लिमिट मिल गई है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन को 10% थ्रॉटल के साथ काफ़ी स्लोली स्लोली के साथ हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी हाजीपुर जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। हम लोग थ्रॉटल को 30% पे करते हैं एंड वाइट थ्रॉटल को 30% करते हैं। WP5 लोकोमोटिव काफ़ी तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी अब आ चुकी है हाजीपुर के आउटर स्टेशन पे एंड हमारी ट्रेन अभी लुक लाइन से मेन लाइन की ओर जा रही है। और हमारी ट्रेन दो लुक लाइन क्रॉस करते हैं मेन लाइन की ओर एंट्री ले रही है हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। एंड यहाँ से मेन लाइन क्रॉस करते हैं हमारी ट्रेन का स्पीड लिमिट हो जाएगी 105 KMPH की। क्या ही खूबसूरत कोचेज लग रहे हैं हमारे HP कोचेज एंड सारे इसमें 3 टायर 2 सेकंड टायर एंड 1st टायर के कोचेज लगे हुए हैं डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में। हमारी ट्रेन काफ़ी खूबसूरत रास्ते है मून के व्यू के साथ है फॉरेस्ट व्यू के साथ हमारी ट्रेन आ चुकी है हाजीपुर मुजफ्फरपुर सेक्शन में। हमारी ट्रेन की स्पीड हो चुकी है 85 किलोमीटर की और बाहर शाम होने का यार हमारी सारी कोचेज की लाइटें यहाँ पे ऑन हो चुकी हैं। क्या ही ज़्यादा खूबसूरत कोचेज की लाइटें लग रहे हैं एंड हमारी ट्रेन भी काफ़ी अच्छी खासी मूव कर रही है पूरे रियलिस्टिक तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस ट्रेन में अभी ऑन बोर्ड हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये कोचेज की सीनरी देख के। गाइस सामने एक स्टेशन आ रहा है जो कि मुझे लग रहा है सराय स्टेशन है एंड इस स्टेशन को हम लोग क्रॉस करेंगे 109 किलोमीटर की स्पीड पे। और यहाँ ये सराय रेलवे स्टेशन ही है जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं एंड या फिर 109 किलोमीटर की स्पीड पे हमारी कोचें कितनी ज़्यादा मूव कर रही हैं। और हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी सराय स्टेशन को स्किप करने के बाद थोड़ी ही दूर पे मुझे एक ट्रेन स्पॉट होती है जिस ट्रेन का हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ क्रॉसिंग होने वाली थी एंड यहाँ पर मुझे ट्रेन स्पॉट हो रहा है या कुछ और है मुझे तो वैसे ये ट्रेन ही लग रहा एंड ये ट्रेन लग रही है क्या हमारे ट्रेन के साथ पैरेलल रन हो रहे हैं क्या इस ट्रेन के या फिर क्रॉस करने वाली है। कौन सी ट्रेन गाइस यहाँ पर हमारी ट्रेन के साथ कोई और ट्रेन की पैरेलल रन हो रही है। एक बार मैं आगे चल के देखता हूँ ये कौन सी ट्रेन है जिसके साथ हमारी ट्रेन के साथ पैरेलल रन हो रही है। गाइस मुझे लग रहा था ये ट्रेन हमारे साथ क्रॉसिंग करेगी बट ये ट्रेन के हमारे साथ पैरेलल रन हो रहे हैं। एक बार मैं आगे चल के देखता हूँ कौन सी ट्रेन है। और ये ट्रेन है 12404 सहरसा गरीब एक्सप्रेस और इस ट्रेन को आज डाइवर्टेड किया गया था हाजीपुर के अलावे गोस्वर जंक्शन से एंड ये ट्रेन गोस्वर जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन की जा रही है। एंड इस ट्रेन का मुझे देखना होगा कहाँ तक पैरेलल रन होते हैं एंड दोनों ट्रेनों का हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पे स्टॉपेज है। और हमारे गरीब रथ में लगी हुई लोकोमोटिव WDP4D गोरखपुर सेट की। और यहाँ पर देखना ये होगा गाइस कि हमारी दोनों ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन यहाँ पर आगे निकल रही है। लेफ्ट WP5 काफ़ी थोड़ी सी तेज़ी में मुझे आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है और यहाँ गरीब रथ एक्सप्रेस मुझे थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई दिख रहे हैं। क्या ये ट्रेन यहाँ पे स्टॉप कर रही है एंड सामने से मुझे ट्रैक चेंज होते हुए मुझे लग रहा है कोई जंक्शन भी आ रहे हैं एंड क्या हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहीं तक पैरेलल रन होने वाला है। और हमारी गरीब रथ को काफ़ी तेज़ी मिनट बना रही है एंड हमारे यहाँ पे एक और WDP4D मुझे साउंड आ रही है। और थोड़ा सा गेट व्यू से एग्जिट करके मेन व्यू की ओर चलते हैं एंड यहाँ पे हमारे साथ एक और ट्रेन की ओवरटेक हो रही है। रिकॉर्ड MU में ट्रेन लगी है जो कि MU में ट्रेन है सोनपुर समस्तीपुर MU में एक्सप्रेस एंड हमारे साथ एक और ट्रेन की ओवरटेक हो रही है जो कि मुझे लग रहा है गोंदिया एक्सप्रेस। और गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में WDP4D लोकोमोटिव लगा हुआ है एंड गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस के साथ हमारी ट्रेन के साथ ओवरटेक हुआ एंड हमारी MU में ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है। और हमारी ट्रेन के यहाँ पर पैरेलल रन जारी है एंड मुझे यहाँ पर WDP4D के साथ गरीब एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ी से एक्सीलरेट कर रही है एंड जिस स्टेशन को हम लोग अभी क्रॉस किए हैं वो स्टेशन थी भगवानपुर
एंड हमारी ट्रेन चल रही है यहाँ पर 100 के स्पीड पे। एंड एल्को लोकोमोटिव फुल थ्रॉटल के साथ काफ़ी ज़्यादा स्मोक करते हुए जा रही है, इसका स्मोक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। और हमारी करीब एक्सप्रेस की परमिशन स्पीड होती है 110 की, एंड जिस रफ्तार पर ये ट्रेन चल रही है मुझे लग रहा है 110 से ये ट्रेन ऊपर की स्पीड पे चल रही है। एंड हमारी ट्रेन यहाँ पे 92 की स्पीड पे आ चुकी है एंड हमारी ट्रेन यहाँ पे स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन होने का कारण है हमारी ट्रेन को यहाँ पे येलो सिग्नल मिल जाता है एंड हमारी ट्रेन यहाँ पे स्लो डाउन होकर 80 की स्पीड पे आ चुकी है एंड करीब रथ अपने फुल स्पीड में हमारी ट्रेन को ओवरटेक करते हुए जा रही है। और रेट काफ़ी देर बढ़ते हुए हमारे करीब रथ एक्सप्रेस को ग्रीन सिग्नल के साथ निकाल दिया जाता है एंड हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ पे येलो सिग्नल के साथ अभी भी चल रही है और हमारी ट्रेन को यहाँ पे येलो सिग्नल के साथ रेड सिग्नल मिल जाता है एंड हमारे डिब्रूगढ़ राजधानी को तकरीबन आधे घंटे रेड सिग्नल मिलने के बाद यहाँ से हमें येलो सिग्नल के साथ डिपार्चर किया जाता है। और हमारी ट्रेन को यहाँ लाइन मेंटेनेंस के कारण हमारी ट्रेन को आधे घंटे की डिले दी गई थी, जिसके कारण करीब रथ एक्सप्रेस पूरी ही आगे गिर गई, उस ट्रेन को रेड सिग्नल दिया गया है और हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी तुर्की स्टेशन का आउटर से क्रॉस कर रही है। सामने आप लोग तुर्की स्टेशन देख सकते हैं और भाई इस रूट में आपको ट्रैक साउंड कैसा लगा ये आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। मुझे तो काफ़ी इस रूट का ट्रैक साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ट्रैक साउंड चकिंग साउंड एंड जहाँ हमारी ट्रेन रुक से मिलियन की हो जाती है और सारे साउंड यहाँ पर इम्प्रूव की गई है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन के थोड़ी सी थ्रॉटल बढ़ा रहे थे, हमारी ट्रेन के यहाँ पर स्पीड लिमिट हो चुकी है 110 की। हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी तुर्की स्टेशन से क्रॉस करने के बाद हम लोग आ चुके थे टाउन वाले एरिया में एंड नाइट में काफ़ी ज़्यादा टाउन अच्छी लग रही है एंड ऊपर के स्टार्स देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाए गए हैं। एंड हमारी ट्रेन काफ़ी तरफ कर्व पे आ चुकी है, ये कर्व व्यू आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप लोगों ने इस रूट पर ट्रेवल किया नहीं आप लोग जरूर से कमेंट करके ये भी बताइएगा। एंड ये रूट का वीडियो कैसा लगा एंड जिस भाई का सबसे पहले कमेंट है उस भाई को अगले वीडियो में उस कमेंट को जरूर मैं मेंशन करूंगा अपने वीडियो में। और अब हमारी ट्रेन इंटर ले चुकी है मुजफ्फरपुर जंक्शन के आउटर में एंड हमारे बगल वाले ट्रैक पर गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी है जो कि हमारी काफ़ी तेज़ी से पैरल रन के साथ आगे निकली थी। और सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर जंक्शन से पहले आउटर सिग्नल पे इसको स्टॉप किया गया है। और गाइस जिस ट्रैक पर हमारी सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी है उसी ट्रैक पर हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी ने एंट्री ले ली है एंड अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस से। और फाइनली हमारी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर जंक्शन में एंट्री ले रही है एंड यहाँ पर हमारे मुजफ्फरपुर के फर्स्ट ट्रैक चेंज हो चुका है डिब्रूगढ़ राजधानी का, इसको मेन लाइन से लूप लाइन पे लिया जा रहा है। एंड इस रूप में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस रूप में काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राफिक के साथ
लोड होने में ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे थे। एंड गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूँ। एंड मेरे पिछले 2-3 वीडियो पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चैनल पर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं और हमारी डब्ल्यू राजधानी की एंट्री हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। मुझे फोर बजे सुनिए हमारे बगल वाली ट्रैक पर WDM3 7 पूर्वांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे कुछ ही देर में जाने को तैयार हैं मुजफ्फर प्रोजेक्शन से। एंड एक बार हम लोग कन्फर्म कर रहे हैं कि हमारी सारी कोचेज प्लेटफॉर्म के ट्रैक पे आ चुकी है। हमारी सारी कोचेज अब यहाँ से प्लेटफॉर्म के ट्रैक पे आ चुकी है, तो हम लोग अपनी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फर प्रोजेक्शन में एंड हमारी ट्रेन एंट्री ले चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 में। एंड तब तक के लिए गाइस इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो